नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम वेज राइस या वेजिटेरियन पूरा, हमारा तहरी जिसको बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग खिचड़ी बोलते हैं सब्जी डालकर। तो आज हम तहरी बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या लगता है ये देखिए। हमने एक कटोरी, हाफ कटोरी लगभग, ये आपका मटर ले लिया है। हाँ, ये जो है ये मेरा छोटी एक कटोरी हरी मटर है, मैंने छील कर ले लिया है। दो आलू ले लिया है, चार टमाटर, टमाटर अच्छे से डालिए। और ये बड़े बड़े फूल हमारे, ये तीन फूल हमारे गोभी के हो गए, और दो प्याज हैं। एक लहसुन का पोटी पूरा लीजिए, और एक इंच अदरक का टुकड़ा, और पाँच से सात हरी मिर्च, और थोड़ी धनिया पत्ती, और ये एक कटोरी चावल जिसको मैंने ये धुल लिया है और धुल कर भिगो दिया है 10 मिनट के लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसी मसाले को मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं बनाना। पहले हम सब्जियों को, ये देखिए मैं दो कलछुल जैसे डालती थी वो एक कलछुल ही डालूँगी इसमें, हमारा सब्जी फ्राई करने के लिए। और इसमें अभी हमें ये मेथी डालकर मैं सब्जियों को भूनने जा रही हूँ। थी और दो से तीन हरी मिर्च डालकर अभी मैं सिर्फ तड़का लगाने जा रही हूँ सब्जियों को फ्राई करने के लिए। इसमें मेथी दाना डाल दिया मैंने, ये देखिए, और ये हरी मिर्च दो से तीन अभी डाला है, और बाकी ये पेस्ट है हमारा मसाले का। अब हम इसमें पहले आलू को फ्राई करेंगे। ये पहले हम आलू को फ्राई करते हैं मेथी डाल के, क्योंकि ये हमारा सबसे पहले, कोई सब्जी बनाइए या तहरी बनाइए, हम तहरी बनाने जा रहे हैं, वेज राइस इसको बोलते हैं, या मिक्स वेज करके हम सब्जियों को डालकर और चावल मसाले में डालकर हम तैयार करते हैं। अब देखिए, तो हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, और इसके बाद फिर हम डालेंगे गोभी। गोभी को हमने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, इससे क्या है कि हमको चेक हो जाता है कि इसमें हमको कीड़े वगैरह तो नहीं है। अब हम इसमें से हम गोभी को, हाँ ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल आलू एकदम बढ़िया लाल क्रिस्पी हो गया है। अब मैं इसी में आपको गोभी भी डालकर, ये थोड़ा सा विधिवत बनता है सब्जियों को तैयार करते हैं, तो हमारी तहरी थोड़ी सी और टेस्टी हो जाती है। बाकी लोग चावल में केवल सब्जी डालकर मसाला डाल दिया, उनकी तहरी तैयार हो गई, लेकिन ये थोड़ा आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपको बार बार इसी तरह बनाने का मन करेगा। देखिए कितना लाल। अब मैंने इसमें गोभी डालना है, लेकिन गोभी डालने के पहले मैं हींग भूल गई थी, तो हींग तो डालते ही, सबसे पहले चुटकी भर हींग डाल लीजिए। उसके बाद हमारा ये बॉयल किया हुआ, पानी में चेक किया हुआ, ये हमारा गोभी है। अब गोभी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब गोभी के साथ साथ हम इसमें मटर भी डालेंगे, ये देखिए, इसी में हम मटर भी डाल देंगे, धुल के रखा था। अब आपकी इच्छा है तो इसमें गाजर डालिए, शिमला मिर्च डालिए, आज हमने इतना ही डाला है, और आप लोग इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसके बाद हम मसाला तैयार करते हैं। देखिए, दो पाउच हमने जो राजेश मसाला है इसमें मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पेस्ट के अच्छा बनाने के लिए, और हल्का सा ये नमक मैंने आलू में डाला था, मैंने थोड़ा सा गोभी में डाल दिया है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मसाला में भी डालेंगे, क्योंकि बाद में चावल पड़ेगा तो हल्का ना हो जाए। और ये भूनने के लिए थोड़ा सब्जियों में जल्दी हम फ्राई हो जाए, इसलिए हम इसमें डालते हैं। अब देखिए मेरा ये फ्राई हो गया है, गोभी बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं गोभी को निकाल ले रही हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ, फिर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें तेल और बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब चावल पड़ेगा, तो एक कलछुल नहीं, इसमें
डेढ़ कलछुल हो गया, एक पहले डाला था, आधा मैंने अभी डाला है। अब मैं इसमें जो तीन मिर्च बची हुई थी ये इसका तड़का लगाऊंगी, और इसके साथ में ये मैं एक तेज पत्ता डालूंगी। ये हमारा बहुत ही खुशबूदार तहरी तैयार होगी। एक से दो डाल दीजिए, हम तीन से चार लोगों के लिए बना रहे हैं। एक कटोरी चावल है, सब्जी हमारी बहुत सारी है। अब मैं इसमें सारे मसाले को डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ग्रेवी ही मेन है इसमें तहरी में, इसके बगैर कोई सब्जी हमारी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी बिना मसाला भुजे। कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं कि सब्जियों को भूजने में आसानी हो जाता है। कुकर में उसके बाद हम इसमें एक सीटी लगा देंगे। देखिए पूरा फुल आँच है और हमारी ग्रेवी की खुशबू अपने आप में अच्छा सा आने लगा है। अब मैं तीन से चार जो टमाटर डालूंगी इसी के साथ में ग्रेवी की तैयार करूंगी। देखिए बहुत छोटे भी नहीं काटने हैं आपको, अगर ज़्यादा टाइम कम है मतलब आपके पास समय कम है तो आप इसको मिक्सी में ही चला के रख लीजिए। लेकिन जो ये थोड़ा सा सामने एक एक पीस दिखता है तहरी में ना, वो मटर के साथ में, आलू गोभी के साथ में, शिमला मिर्च के साथ में, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और ये भूज देंगी कि वैसे अपने आप में गल जाता है। ये देखिए अब मेरा ये टमाटर बिल्कुल इसी ग्रेवी में अच्छी तरह, दो से तीन मिनट लगता है, अब ये इसी में घुल जाएगा। अब हम कुकर चढ़ाने जा रहे हैं। अब मैं इसको इसमें ये होता रहेगा, ये देखिए अब मैं कुकर को उतार लूँगी और कढ़ाई को, अरे कुकर को चढ़ा रही हूँ, कढ़ाई को उतार दी हूँ। अब ये हमारा मसाला भुज गया है अच्छी तरीके से, और देखिए टमाटर भी दिख रहा है। इसको सॉफ्ट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब देखिए ये हम एक चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे जिसमें हम चावल को भिगोकर रखे हैं, तो इसमें हम डालकर और इसके साथ में हम जीरा डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार हमारा चावल यानी तहरी बनकर तैयार हो रही है। देखिए अच्छी तरीके से ये लाल हो जाए और मेरा चावल बिल्कुल भीगा हुआ, ये देखिए रखा हुआ है गुनगुने पानी में। हाँ देखिए तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी अपना, ये देखिए चावल डालकर मैंने जो अच्छे से फ्राई किया था, देखिए सब जीरा तड़तड़ा गया बढ़िया से। अब मैं सब्जी सब डालूंगी इसमें, सब बिल्कुल भुजा हुआ है, बस एक सीटी आने तक प्रेशर लगाने से हमारा थोड़ा काम जल्दी होता है, इसलिए हम लोग कुकर में, और कुकर में थोड़ा सा खिला खिला चावल हो जाता है। अब सारी सब्जियों को हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप भी इसी तरह बनाइए तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट पता चलेगा। फिर बताएंगे कि हाँ जिस इलाहाबादी जो भी बनाते हैं वो बहुत तरीके से, और कोई इसमें अलग सा ना सामान है, सब कुछ घर में अवेलेबल होता है जो हम इसको तैयार करते हैं। इसको फुल आंच करके हम चला देंगे। अब इसमें हम पानी का अंदाज देख लेते हैं, एक कटोरी पानी, एक कटोरी चावल हमने भिगो के रखा था, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा पानी और चाहिए तो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि इसमें मसाला कुछ लगा हुआ है इसलिए, और चावल हमारा भीगा हुआ है तो जितना है ये हम इसी में डाल देंगे।
देखिए देखने में ही अलग हमारा ये तहरी दिख रहा है। अभी हम बना ले सीटी बजाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एक सीटी बजने तक। ये देखिए ये सीटी मैंने निकाल दिया, दो सीटी मैंने बजाया है। अब देखिए मैं इसको चला के दिखाती हूँ। ये अब मैं इसको सर्व करूँगी। सब चीज़ देखिए बिल्कुल अलग अलग, सब्जी सहित मेरी ये तहरी तैयार हो गया। कौन? हाँ ये देखिए ये मैंने सर्व कर दिया। अब इस पर हम थोड़ी सी धनिया से गार्निश करेंगे और आपको अगर घी अच्छे से खाना होता है, मना नहीं है, तो आप ऊपर से इसमें घी भी डालकर सर्व कर सकते हैं। ये अब आप टमाटर की चटनी है, नहीं किसी भी प्रकार का अचार है, आप उसी के साथ, नहीं कुछ भी नहीं खाना है तो आप इसी तरह तहरी को खाइए। और विजय इलाहाबादी को कमेंट करके बताइए कि ये तहरी कैसा रहा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।